ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रन. सी वी हैव कम टू आर्चीज गैलरी इन नासिक ऑन कॉलेज रोड. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी फेमस गिफ्ट शॉप. यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स ओवर योर एंड यू कैन सी दिस इज कॉलेज रोड, राइट? ओके, लॉट्स ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग. आई हैव स्टडीड इन वन कॉलेज विच इज़ कॉल्ड आर वाई के कॉलेज, वेरी क्लोज बाय फ्रॉम योर आर वाई के साइंस कॉलेज. And this is where I used to come. See, you have flowers in your curriculum. So this is where I used to come to get my flowers when I was in college or even when I was teaching at schools over here. For anyone's birthdays, parties, wedding ceremonies, any occasions. So this is a very beautiful flower gallery which is outside this Archie shop on College Road. Right? I showed you College Road. Yes, lots of traffic, very busy and very nice flower gallery. It is called Archie's Flora. तो चलो बच्चों, देखते हैं कि यहाँ पे कौन से फ्लावर्स है. ओके, ये देखो आपको अलग अलग कलर के. आई टेल यू द नेम्स ऑफ ऑल. सी वॉट अ ब्यूटिफुल डेकोरेशन एंड लवली क्लॉथ बुकेज ऑल्सो. ओके, इट्स अ प्लेस वेयर ऑल चिल्ड्रेन एंड ऑल पीपल फ्रॉम All over Nasik come to, all college students come to buy flowers. Okay, yes. And this is भैया आइए अंदर. आपका नाम बताइए. अमरेश सामंत जी. अमरेश सामंत. अमरेश सामंत. अच्छा, ठीक है. तो ये आपको आपके यहाँ के फ्लावर्स के बारे में बताएंगे. ओके बच्चों, भैया जरा हमको अलग अलग फ्लावर्स जो है उनके नाम बताइए ना. देख लीजिए फ्लावर कौन सा है. हाँ, ये वाले. हाँ, करेक्ट टीचर. चिल्ड्रन, दिस इज ट्यूबरोज और रजनीगंधा इन हिंदी एंड इन मराठी इट इज कॉल्ड निशिगंधा. ये ज्यादातर तो रात में फूलता है इसीलिए उसको निशिगंधा या रजनी, रजनी या निशा यानी रात. ओके, दीज आर माय फेवरेट. इनकी हल्की हल्की बहुत मीठी मीठी खुशबू होती है. मुझे अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. दे आर माय फेवरेट. सो मैं इनको मेरे तके के बाजू में रख के सोती थी हमेशा, राइट? बिकॉज आई हैड अ प्लांट ऑफ दिस इन माई हाउस. ओके, और ये वाले कौन से? ग्लैडियोलस, करेक्ट. इनको हिंदी में कड़दल भी कहते हैं. इसमें बहुत सारे कलर्स और वराइटीज होते हैं कड़दल. ओके, तो जो फ्लावर्स लेते हैं वो बुके के अंदर इनकी भी स्टेम्स डालते हैं ना भैया, सही? ठीक है. और ये आपने यहाँ पे क्या रखे, ये तो सभी को पता है. ब्यूटिफुल रेड रोजेज. हाँ, ये किस भाव में बिकते भैया? 20 रुपीज का एक. अरे वाह, हाँ ठीक है. तो आपके पापा को किसी किसी को. यस, इसमें अभी रोजेज में अलग अलग कलर्स और वैरायटीज है. पिंक रोज, दिस इज वेरी मल्टी कलर्ड ब्यूटीफुल ऑरेंज वन, येलो रोजेज सी. और इसको ये आपने करुगेटेड शीट में ऐसे क्यों बांध के रखा है? ये फार्म से ऐसा ही पैकिंग आता है. हाँ, अच्छा. बुके बनाते हैं तो अरेंज करते हैं बाद में. अच्छा, इसका आप बुके बनाते हैं, ठीक है. आप दिखा दीजिए. अच्छा, अरे वाह. हाँ, अरे क्या कॉम्बिनेशन है भैया, रेड और येलो. आप तो सही में कलाकार हो. तो ये बीच में येलो वाले हैं वो कौन से डाले आपने? क्रिसैंथेमम. सी दीज आर द शेवंती. देखो मैंने आपको पहले भी व्हाइट शेवंती दिखाया था, तो ये येलो क्रिसैंथेमम और रेड रोज, द कॉम्बिनेशन लुक्स लवली. और ये देखिए, अभी उन्होंने बुके आधा बनाया, इसको बाद में वो क्लॉथ में कवर करके हमें बताएंगे, ठीक है? ओके भैया. और यहाँ पे मुझे कुछ अलग टाइप के दिख रहे हैं. ये कौन से? ये जरबेरा है ना शायद? ये जरबेरा है. ये जरबेरा है. ये भी बहुत महंगा होता है ना. एक 10 रुपीज रहता है. अच्छा, मेरे टाइम पे 7 रुपए का मिलता था, अभी 3 रुपए बढ़ गया. हाँ, तो ये जरबेरा मुझे बहुत पसंद है. ये तो कई बार. यस, यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर्स में, दे आर वेरी नाइस. एंड हियर यू कैन सी अ डबल कलर्ड वन, राइट? अ पिंक एंड अ वाइट वन, राइट? सो जरबेराज ये काफी बार. सर भैया, इसके एक सिंगल स्टेम निकालो ना. हाँ, ये सिंगल स्टेम भी लेके लोग गिफ्ट करते हैं, देखिए, राइट? सो पीपल टेक अ सिंगल स्टेम ऑल्सो इफ दे वॉन्ट टू गिफ्ट समवन. ओके, और यहाँ पे सो दीज आर जरबेराज. और यहाँ ये भी क्रिसैंथेमम्स है. व्हाट लवली येलो, करे. और ये व्हाइट शेवंती, ये तो आसानी से दिख जाती है हमें, कई लोगों के घर में भी होती है व्हाइट क्रिसैंथेमम्स. और ये भी क्रिसैंथेमम्स के अलग अलग कलर है, वैरायटी, शेप, साइजेस. सी, वाओ, दीज आर लाइक बटन रोजेज, राइट? बबली बबली, नाइस एंड थिक, राइट? ओके, नाउ अभी और
और यहाँ पे ये वाले कौन से कार्नेशंस करे, ये कार्नेशंस भी बहुत आसानी से बुके में यूज होते, पहले हम लोग सिर्फ रोजेज यूज करते थे, तो कार्नेशंस में भी बहुत कलर्स और वैरायटी है। देखिए ये सर, दिस इज ऑरेंजेस, दिस इज लाइट येलो, दिस इज वाइट, एंड हियर यू कैन सी यस डार्क पिंक कार्नेशंस एंड रेडिश कार्नेशंस। ओके, सी द कलर्स, जैसे कलर्स फ्लावर्स में और नेचर्स में होते हैं ना, वैसे कलर्स हम कलर कितने भी पेंटिंग बनाए बना ही नहीं सकते। ओके, एंड दीज आर द माय फेवरेट वंस। ये कौन से भैया? ऑर्किड्स। सो इन ऑर्किड्स यू हैव, यू नो, अभी आप लोग शादी पे जाते तो आजू बाजू मंडप के डेकोरेशन में भी ये यूज होता है, बुके में भी यूज होते, तो ये ऑर्किड्स एक्चुअली पेड़ों पे उगते हैं। दीज आर एपिफाइटिक फ्लावर्स, दे डोंट ग्रो ऑन ग्राउंड। You have ground orchids also, and earlier we used to get these from Malaysia and all. Nowadays we get them very easily. He told me, भैया ये अभी आपने बोला कि नासिक में भी उगाते हैं, पॉली हाउस में होता है। हाँ ठीक है, पॉली हाउस ग्रीन हाउस में कंट्रोल कंडीशन में इसको हम लोग नासिक में भी उगा सकते हैं। We can see white orchid and we can see this beautiful purple colored orchid. You see, they are very delicate and very nice. And I'll show you one bouquet. See here, he has blended many flowers. भैया ये बुके जरा उठा के दिखाइए, मुझे घुमा के दिखाई। देखो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा बड़ा बुके कॉम्बिनेशन किया है, ऑर्किड्स, कार्नेशंस, ग्लैडियोलाए है ना, जरबेरा भी, रोजेस भी डाले आपने। हाँ देखो रोज, आप पॉइंट कीजिए भैया, मैं दिखाती हूँ उनको। रोजेस, हाँ बोलते जाइए, ऑर्किड्स, कार्नेशंस अलग अलग है उसमें, करेक्ट, और जरबेरा भी डाला है, सेवंती, क्रिसैंथेमम्स और ऊपर ग्लैडियोलाए भी डाला है, और ये पीछे मैं देख रही हूँ बहुत सारे अलग अलग पत्ते भी डाल रहे हैं, ग्रीन पत्ते पाम शेप के, या ये अलग अलग डेकोरेशन वाले ऑर्नामेंटल लीव्स भी डाले हैं, राइट, बहुत प्यारा। भैया आप मुझे बताइए ना, एक झट से बुके बना के देखेंगे, दिखाएंगे क्या मुझे, आप लोग कितनी अच्छी कला रखते हैं। और ये पहले प्लास्टिक में लेते थे ना, आजकल कपड़े में बैन हो गया है, तो देखो इनको भी अभी इको फ्रेंडली बनना पड़ता है। टू मेक क्लॉथ बुकेस, तो आप वो, मुझे लगता है उस वाले को एक बुके बना के दिखा सकते हैं आपका, वो कोई भी जो आपको पैकिंग करना है, इनको ऑर्डर है ऐसी। इट्स अ ब्यूटिफुल बुके ऑफ रेड रोजेस, अभी हम देखेंगे कि भैया कैसे उसका, हाँ सारे लाल फूल किसने ऑर्डर किए, शादी वादी के लिए है क्या? हेलो, अभी आपको ये नहीं पता, आप तो कस्टमर के ऑर्डर। सी ही इज यूजिंग दिस, हाँ सी ही इज मेकिंग दिस फैन शेप, यू हैव टू ट्राई ऑल दिस। यस यस यस, नाउ यू वॉच हाउ एक्सपर्टली बोथ हिज हैंड्स आर मूविंग। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस चिल्ड्रन, एंड ऑलवेज ट्राई एंड वर्क विद बोथ हैंड्स। अभी ये एक साइड तैयार था, दूसरे साइड से ये लग गया स्टेपलर, अटैक। सो आई थिंक इट मस्ट बी समबडीज बर्थडे एंड सम फ्रेंड वांट्स टू गिफ्ट अ बुके, नाइस बुके। सो भैया इज मेकिंग अ नाइस, अमरीश भैया इज मेकिंग अ नाइस बुके। नाउ ही इज ब्लेंडिंग दैट वाइट क्लॉथ पेपर विथ अ पिंक, सी द वे ही मेक्स दिस ब्यूटिफुल फैन विथ सो एक्सपर्टली, सो वेल प्रैक्टिस्ड एट इट, यू नो, इनको इतने सालों से आदत है। देखो उसको मल्टी कलर बना रहे हैं कि जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव कर लेंगे वो। ये ऑर्किड्स का कितने में जाता है भैया स्टेम? 50 रुपीज़ का स्टिकर 50। और सबसे महंगा फ्लावर कौन सा है आपका? सबसे महंगा फ्लावर अभी फिलहाल में ऑर्किड है। ऑर्किड, अच्छा 50 रुपीज़ की एक स्टिक, उस पे तो मेरे ख्याल से 4-5 होते होंगे, 4-5 फ्लावर। और ये जो नीचे इतना गार्बेज निकल रहा है, ये कचरा, इसका क्या करते हैं फिर? नगर पालिका का गाड़ी है, घंटा गाड़ी में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी कोरोना था तो कुछ असर हुआ क्या कमाई पे आपके? कोरोना था तो लोगों को बस कार्यक्रम नहीं था कुछ, तो कम काफी कम। और अभी कैसा है, थोड़ा पिकअप हो रहा है बिजनेस? ठीक चल रहा है, बेटर चल रहा है। ओके ओके,
तो देखिए चिल्ड्रन, अभी थोड़ा सा हमारा कोविड पैंडमिक का इम्पैक्ट कम हो रहा है, सो वी ही इज़ मेकिंग अ लिटिल मोर बिजनेस. जब कोविड था तो आपका बंद ही था ना भैया? तो बंद था, फिर आप बंद था, बाद में 4 बजे तक टाइमिंग था. हाँ, 12 बजे तक टाइमिंग था. हाँ, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके चालू किया था. फिर तब आप अपने घर चले गए थे क्या? घर चले गए. तो आपका घर, आप मुझे तो लग रहा है बंगाल के हैं, सामानता है तो. हाँ देखो, सही पहचाना. अगली बार जाएंगे तो मेरे लिए रसगुल्ला जरूर लाना. जरूर लेके आएगा. मुझे बंगाल में आई हूँ, मुझे कोलकाता, वहाँ का साइंस म्यूजियम सब देखा है, और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन का आश्रम, पुरानी हावड़ा ब्रिज, बहुत सुंदर. ये देखो, डन, ब्यूटीफुल. देखो कितना जल्दी भैया के, भैया ने बनाया. वी शुड क्लैप फॉर हिम, प्लीज क्लैप क्लैप क्लैप, वेरी गुड. और यहाँ के रैपिंग पेपर्स देखिए भैया, ये कहाँ से मिलते हैं आपको इतने सारे कलर बाजार में? अच्छा, ये एक शीट कैसे जाती है? 20 मतलब काफ़ी. ओके, और आपके रोजेस एक ही जगह से आते कि अलग अलग सप्लायर? अलग अलग सप्लायर आते हैं. और फ्लावर्स भी अलग अलग सप्लायर्स? हर एक फ्लावर अलग अलग रहते हैं. ओके ठीक है. एक ही खेती में गुलाब होता है, सेवंती का खेती में सेवंती होता है. हाँ, तो अलग अलग लोगों से कांटेक्ट में आता है. अच्छा, और आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं? अभी 12 साल से. 12 साल से? अरे बापरे. तो क्या लगता है आपको, क्या आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो आपका फूलों का ये है? अभी मेरा ऐसा विचार है कि फूल पेड़ पे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप तो उनको बेचते हैं, तो आप अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि फ्लावर्स लेना और देना क्यों चाहिए? क्या कुछ कुछ गिफ्ट रहता है जो जिसका क्या बोल, जिसका कुछ गिफ्ट रहता है जिसका प्राइस नहीं होता है, प्राइसलेस होता है. प्राइसलेस, अरे वाह क्या बात बोली. वो फ्लावर्स होते हैं ना. हाँ, 100 बात की एक बात बोली आपने, कि जो फ्लावर से जो खुशी, खुशबू, रंग और एक अंदर की जो भावना है, कभी कभी हम शायद शब्दों में बोल नहीं सकते, लेकिन वो फ्लावर से होता है. आपको वो मुन्ना भाई वाला इशू कहानी पता है ना, कि वो जब झगड़ा करते थे कोई, तो वो जाके उनको फूल देते थे और झगड़ा मिट जाता था, राइट, जादू की झप्पी के साथ. हाँ, तो आई थिंक वही काम फ्लावर्स भी करते हैं. और ये फूल हम कहते हैं लेकिन पेड़ों पे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये फूल खास बांटने के लिए उगाए जाते हैं, है ना, राइट. और आपको कैसे लगता है इस धंधे में? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, इसलिए तो कर रहा हूँ इतना साल से, एंजॉय करता हूँ. अरे वाह, ठीक है, ओके. और फैमिली घर में कौन कौन है? सब ठीक है, मम्मी है, पापा है. इधर ही रहते हैं? नहीं, गांव में. शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी तो नहीं. अच्छा, तो जल्दी कर लो, ये फ्लावर्स आपको शादी में तो फ्री मिल जाएंगे, आपका मंडप तो आप खुद ही बना लेंगे. ठीक है, ठीक है, चलो. बच्चों को और कुछ बोलना है आपको? बस थैंक यू. ठीक है, थैंक यू, बाय कर दीजिए. और जब भी किसी को फ्लावर्स चाहिए, अच्छे वाले, पूरे नासिक में बेस्ट वाले, तो आप ज़रूर आरती फ्लोरा में आके अंकल से अलग अलग फ्लावर्स लेना. मेरे बच्चों को डिस्काउंट दोगे ना भैया? ठीक है, थैंक यू. आप हाँ, हमारी स्कूल का नाम है दियान यूनिवर्सल स्कूल ओजर. ठीक है, बच्चे घूमने आएंगे तो आपको मिल के भी जाएंगे. चलो बाय चिल्ड्रेन, बाय बाय भैया, थैंक यू सो मच. तो देखो, मेरी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अभी 4 ग्लैडियोला का स्टेम्प लिया. आई वांट टू सी वेदर आई कैन मेक दीज व्हाइट फ्लावर्स इनटू कलर्ड फ्लावर्स. लास्ट टाइम माय एक्सपेरिमेंट विद क्रिजेंथेमम्स वाज अ फेलियर. तो अभी मैंने ये कितना हुआ भैया, ये 4 स्टेम ली और एक निशिगंधा का, मेरी बचपन की, ये 80 रुपीज. और भैया थोड़ा डिस्काउंट दो ना. हाँ नहीं नहीं, 4 का 80 नहीं, 60 रुपये दूंगी. आज का दिन छोड़ दो बच्चों के लिए, और फिर ये फोन पे से हम उनको पेमेंट कर देंगे. ठीक है भैया, चलो हम स्कैन करते QR कोड और ये लो, हमारा पेमेंट चला जाएगा. सर सिर्फ 60 पे करना. ओके, देखो मोबाइल से फोन पे भी कर रहे हैं. सो आई परचेज नाउ एंड we are doing the billing. Okay, done. Achha, you can pay 60. And pay. Plus. Put your that, I can't show the code. 60, pay. Yes, see, it's done. Okay? Thank you, bhaiya. फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगे. जब बच्चे की स्कूल चालू हो जाएगी तो मैं बच्चों के साथ आऊँगी. बाय, थैंक यू भैया, बहुत मज़ा आया.
तो देखो मेरी मेरी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अभी कितने 4 ग्लैडियोला का स्टेंट लिया। आई वांट टू सी वेदर आई कैन मेक दीज व्हाइट फ्लावर्स इनटू कलर्ड फ्लावर्स। लास्ट टाइम माय एक्सपेरिमेंट विद क्रिसेंथेमम्स वाज अ फेलियर। तो अभी मैंने ये कितना हुआ भैया, ये 4 स्टेम ली और एक निशिगंधा का मेरी बचपन की, ये 80 रुपीज। और भैया थोड़ा डिस्काउंट दो ना। डिस्काउंट ही रेट वाला। हाँ नहीं नहीं 4 का 80 नहीं, 60 रुपए दूंगी। आज का दिन छोड़ दो बच्चों के लिए, और फिर ये फोन पे से हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है भैया, चलो हम स्कैन करते QR कोड और ये लो हमारा पेमेंट चला जाएगा। सर सिर्फ 60 पे करना। ओके देखो मोबाइल से फोन पे भी कर रहे हैं। सो आई हैव परचेस नाउ एंड वी आर डूइंग द बिलिंग। डन। अच्छा यू पे 60 60 60। हाँ एंड पे प्लस पुट योर दैट आई कांट शो द कोड 60 पे। Yes, see, it's done. Okay? Thank you, भैया। फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगे। जब बच्चे की स्कूल चालू हो जाएगी तो मैं बच्चों के साथ आऊँगी। बाय। थैंक यू भैया, बहुत मजा आया। In the video of our visit to the florist, right? And this, I'm continuing in that same video. See, whatever we saw at the florist, these were flowers which are for sale. But today here, now, teachers have brought all flowers which are easily found in our gardens. Okay, so I'll quickly tell you their names. This is called a garden lily. Garden lily. Okay, it has a very nice mild smell. Iski bahut achhi sondi bahut halki si khushbu hoti hai. Water lilies. Okay, aur ye dekho bahut bada bunch aata hai. At the top you can see this bunch. Okay, aur ye ground mein hote, just observe the stem. It's very thick, okay? Right, so we get water lilies also, we get ground lilies also. This is the ground lily. Now, here we have Chandni. Chandni, देखो ये मम्मी मंदिर के लिए तोड़ती है, पेड़ होता है और मम्मी भगवान को चढ़ाती है. Okay, then here now I have tuberose, Nishigandha. This I showed you in my video also. It's also called Rajanigandha. Now here I have many stems of gladiolus. I told you that I'm going to pick these for my experiment. But gladiolus are of many colors. So this is white gladiolus and this is orange. Orange gladiolus. It's also called kardal. Okay. Right. There was one that tagar flower. Where is it? Okay, now these are all again very commonly found. Bhagwan ko chadate, Bapa ko bhi chadate. These are all jaswand. Okay, hibiscus. Hibiscus, or it's even called shoe flower. Jaswandi, see, we have so many colors. We have red jaswandi, red hibiscus. Correct, these are all red. Then we have pink hibiscus. Then we have orange hibiscus. And this orange hibiscus is a double flower. See, it has one flower and one more above it. Okay, it's like a double flower. And you can see with orange there are other colors also, red and pink, beautifully blended. Now this is champa or chameli. It's also called plumeria. Champa or chameli. It's also called plumeria. इसका भी पेड़ होता है. देखो अंदर से ये ऐसा, बाहर से व्हाइट पेटल्स होते हैं और अंदर से येलो होते हैं. इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू होती है. इट हैज अ वेरी नाइस स्मेल. और ये लोग मम्मियाँ इसको फूल कान में भी, कान के पीछे भी लगाते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं. दिस इज सोन साफा. साफा मैग्नोलिया. सोन साफा, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. सी एम स्मेलिंग. इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. इनफैक्ट इट्स वेरी हैवी फॉर मी. आई कांट बेयर इट. ओके यस, दीज आर रोजेज. अलग अलग हमने सिंपल है बिकॉज गुलाब के फूल आपको वीडियो में भी दिखाए हैं. ओके ये घर का देसी गुलाब भी है. ओके और जो देसी गुलाब होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है. रोजेज आर, दिस इज ऑसम. ओके रोजेज आर वंडरफुल ओडर, कलर्स, डिजाइन. एंड द कॉस्टलीस्ट रोज इज द ब्लैक रोज. देर आर ब्लैक रोजेज ऑल्सो.
शेवंती क्रिजैंथेमम आपको वीडियो में दिखाया। दीज आर सम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो हम घर के बाहर डेकोरेशन के लिए उगाते हैं पॉट्स में। ओके, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स ये हमारे स्कूल के ही हैं अलग अलग। राइट, नाउ दिस इज वेलवेट मखमल। मखमल इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोब अमरैंथ। ग्लोब अमरैंथ मखमल। ओके, नाउ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नोलिया आई मीन झेंडू। ओके, मैरीगोल्ड्स डिफरेंट टाइप। इसकी आप माला बनाते भगवान के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मालाएं इसकी बिकती है। राइट, झेंडू देखो अलग अलग टाइप के, बड़े छोटे, दे आर कॉल्ड मैरीगोल्ड। आपको मारीगोल्ड नहीं बोलना है, हाँ मारी बिस्किट होता है, ये मैरीगोल्ड होता है। राइट, दिस इज अनदर वेरी सॉफ्ट प्रिटी फ्लावर, इट्स कॉल्ड ब्लैंकेट फ्लावर। ब्लैंकेट फ्लावर एंड हियर्स वन वेरी नाइस बंच ऑफ फ्लावर्स विच इज यू नो इट्स लाइक अ बुके। देखो पूरा एक बड़ा बुके ही है। इट्स एंड सी दिस वेरी नाइस वुडी ग्रीन लीव्स। ओके, दिस इज कॉल्ड रेड एक्सोरा। रेड एक्सोरा जो भी नाम बता रही हूँ मैं, उसके नीचे इंग्लिश में टाइटल्स होंगे, आप उनको लर्न करिए। इसी तरह से फ्लावर्स लुक वेरी नाइस ऑन द प्लांट, बट यू मस्ट स्टडी ऑल ऑफ देम एंड यू शुड लर्न द नेम्स। द वराइटी एंड स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स इज वेरी वाइड। ओके, सो आई थिंक यू कैन जस्ट सी ऑल दीज वंस अगेन एंड रिमेंबर द नेम्स। आई विल रिवाइज क्विकली, विल स्टार्ट रिवर्सन ऑफ मैरीगोल्ड। ब्लैंकेट फ्लावर, रेड एक्सोरा, हिबिस्कस दैट इज शू फ्लावर, सोन साफा दैट मीन्स मैग्नोलिया, सम डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, मखमल, ग्लोब अमेरेंथ, वेलवेट भी बोलते हैं इसको, चंपा। ओके, चंपा, चंपा को चमेली भी बोलते हैं, कोई चाफा भी बोलते हैं। दिस इज प्लूमेरिया, क्रिजेंटिमम, रोज़ेस, योर टीचर ग्लैडियोला, ग्लैडियोलस, कड़दल, ट्यूबरोज, निशिगंधा, रजनीगंधा, चांदनी, चांदनी। ओके, चांदनी और इसके बीच में वो एक तगर है, तगर फ्लावर इज कॉल्ड तगर उन्नी, ये भी भगवान के लिए चढ़ाते हैं। द इंग्लिश नेम ऑफ चांदनी आई विल टाइप क्रेप जैस्मिन, इट्स कॉल्ड अ क्रेप जैस्मिन। व्हाइट लिली, ओके व्हाइट लिली, देर आर अदर काइंड ऑफ लिलीज ऑल्सो। दिस इज वेरी नाइसली इजिली, सो यू शुड प्लांट फ्लावर्स इन योर गार्डन एंड एंजॉय देम। ओके, यस चिल्ड्रन, देन नाउ इनफ, बाय। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग द नेम्स ऑफ फेरिस फ्लावर्स, ट्राई देम योरसेल्फ्स एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, बाय।